मैं फरहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज मैं बात करूंगा आईएमए के बारे में। मेरे साथ शरियार खान हैं और रिजवान असद हैं। बात यह है कि बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है, बर्ड एक्ट अच्छा है या केपीआईडी एक्ट अच्छा है, तो दोनों का डिफरेंस जो बात करेंगे वो बताएंगे शरियार खान। शरियार भाई, ये बर्ड एक्ट के बारे में हर कोई बोल रहा है कि यही एक्ट चाहिए, इसमें क्या है? जी हाँ, मैं उसे पढ़ रहा था। देखो, बर्ड एक्ट्स के दो, मेरे ख्याल से सब्जेक्ट टू करेक्शन एंड ओपिनियंस ऑन द लीगल एक्सपर्ट्स, बर्ड एक्ट्स में एक क्लॉ है, सेव सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्ट 2002 बल्कि एक एक्ट थी। उस एक्ट में समझिए कि अगर मेरा घर गिरवी रख ले हैं किसी बैंक मंसूर रख दिया है, तो वो बैंक का हक पहले रहता है, उसके बाद डिपॉजिट्स का रहता है। क्लियर है एक्ट, बर्ड्स के एक्ट, ठीक है ना? दो एक्ट्स हैं ये, तो एक सिक्योरिटीज एक्ट और इंसॉल्वेंसी एक्ट 2016 कोड। मैं अगर मैं मंजूर हूँ तो मैं किसी का घर पैसे लेके, इन्वेस्टर्स के लेके घर लेके अगर बैंक को गिरवी करा हूँ, तो लिक्विडेशन के टाइम पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हक उसके ऊपर नहीं होता, डिपॉजिट्स पर नहीं होता, बैंक के ऊपर होता। ये अगर है, सही है, तो केपीआईडी इज़ बेटर। केपीआईडी में वो प्रोविजन नहीं है, सीधा डिपॉजिटर्स का बेनिफिट है एज आई अंडरस्टूड। दूसरा ये है कि बर्ड्स एक्ट का नोटिफिकेशन कब हुआ और ये स्कैम कब हुआ, ये एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, ये है ना प्रोस्पेक्टिव है, जब से होता वहाँ से होता हो। तो ये भी हुआ तो फिर वो पूरा आईएमए स्कैम का इसके पवी के अंदर आता, ये देखना पड़ेगा। दिस टू डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो ये लोगों को लग रहा है अगर बर्ड एक्ट आ जाएगा केपीआईडी जी, तो पैसा ज्यादा जल्दी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है? इसलिए दोनों सिमिलर एक्ट्स हैं, 180 डेज हैं, इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। मैं एक डिस्क्रिपेंसी मैं अगर परस्यू कर सकता हूँ, वो इतना अच्छा है कि एक सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप उसे अमित शाह कहिए या ग्रीवेंसेस मिनिस्ट्री कहिए, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज कंट्रोल बाय द स्टेट, आईएएस ऑफिसर है तो भी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इधर है, तो इसमें क्या भी ये नहीं होना, इसके तरफ से डिले नहीं होना कि एक सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और दूसरा ये भी है कि एसआईटी जो चार्जशीट करके है, हो सकता है, आप जानते हैं वी हैड मेट सम सीबीआई टॉप गन, वो बोल रहे थे कि उन्होंने स्क्वैश कर को, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, एसआईटी वाले, ये हो सकता ना विच हंटिंग के कांग्रेस एंड जेडीएस किस में करे, हमें नया करती बोल के बीजेपी, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी डिले हो सकता है। अच्छा, आपके, है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है नया? हाँ, वो ये हुआ कि मंसूर को वापस जुडिशियल कस्टडी भेज दिए गए, और इस दरमियान मंसूर के घर से जो डिस्क मिली है इट हैज़ बीन टेम्पर्ड विद। और वो टैम्पर कब हुआ, एसआईटी वालों ने जब मंसूर के घर में जून में जाके वो एस हार्ड डिस्क रिकॉल किए, वो टाइम से लेके अब तक वो हार्ड डिस्क ओपन नहीं हुई है, तो सीबीआई वालों ने फॉरेंसिक लैब को भेजा है कि देख रहे दिए, दे वांट टू सी वेदर ये जून 19th जो सीज हुआ है वो टाइम पे हुआ, एसआईटी के इसमें हुआ है या मंसूर टैम्पर करके गया है। एंड देयर वाज 3-4 मंथ्स, तो थ्री फोर मंथ डिले हो गया है। उस हार्ड डिस्क में बहुत से इन्फॉर्मेशन है जो मंसूर ओरली ने कहा है, पॉलिटिशियंस के नाम, आईएएस ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम, उसको एविडेंस लेने है, आई मीन टू कोलैबोरेट दैट एविडेंस, वो हार्ड डिस्क वाज वेरी गुड, ये बट द हार्ड डिस्क हैज ऑलरेडी बीन टैम्पर्ड। वो कल पता चला कि उसको 3-4 महीने होगा अगर फॉरेंसिक लैब जाको आने के बाद, तो 3-4 महीने पीछे हो गए। और इस दरमियान उन्होंने हेमंत, आईपीएस ऑफिसर हेमंत और आलोक को भी बुला के इंटरोगेट किए, और उनको ये पूछा कि जनवरी 19, 2019 में आपने मंसूर को क्लीन चिट क्यों दी 2019 में एनओसी के इसमें, और इसको आलोक, इसको अजय को इस ये पूछा है व्हाई हैव यू टोल्ड दैट ही शुड नॉट बी अरेस्टेड, तो वो इंटरोगेशन भी गया है, और राजकुमार कत्री को भी गया है। मगर सबसे अफसोस ये बात है कि सबसे बड़े जो स्कैमस्टर्स हैं जिसका नाम सबसे पहले ले गया है, अब तक उनको क्यों नहीं बुलाया? ये वरन साहब, इसमें हम एक प्रेजुडिस और एक बायस देख रहे हैं कि जो लोग बीजेपी की तरफ ड्रिफ्ट हुए हैं उनको थोड़ा लैटिट्यूड दिया जा रहा है, जो नए हैं उनको पनिश कर रहे हैं। दूसरा, 13 आईपीएस ऑफिसर्स का नाम है बोल रहे हैं, वो अभी उन्हें मंसूर रिवील भी कर दिया बोल रहे हैं, वो ये लोग नहीं करे, वो दे आर टेलिंग अक्यूज्ड व्हेन वंस ही रिवील्स दे शुड बी प्रूफ। तो ईमेल क्लाउड में उनका ईमेल रिट्रीव किए हैं, उसमें भी कुछ मालूम हुआ है। दैट इज अ वेरी फैलेशियस आर्गुमेंट टू से दैट देयर इज प्रूफ, प्रूफ कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। ये लोग जब मंसूर के भी क्या चोर बोल रहे हैं ना, कहाँ प्रूफ कहाँ है,
इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय द कोर्ट नो दैट इज अभी एक मामूली चोर अगर कोई चोरी किया और दुकान में दिखा दिया कि दुकान में मैं दिया तो दुकान वाले अरेस्ट करते हैं. जब मंसूर ने दो टाइम वीडियो बनाया है ऑडियो बनाया है और जिसका नाम लिया है अब तक उसको बुलाया नहीं है. और ये भी पता चला कि कोई एक लॉयर परसों भी मैंने बताया था कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर है वाई द नेम ऑफ दैट पर्सन एंड द ऑफिसर्स whose names have been revealed, why have they not been called and why have they not been interrogated? See, again I'm telling you, no, it is a foolish and frivolous argument. Indian Evidence Act ke hisab se, agar police wale Mansoor ko chor kahe, to police wale unko prove karna unhe chor bolke, beyond reasonable doubt. Theek hai na, ye sab thaklu se baatein hain. Ye jo bola na, politization ho raha hai. Dusra hai, ke, there is only one way, aap sahi bole aap, ke police people are involved, prima facie. आईएएस ऑफिसर सिस्टम इन्वॉल्व है तो विकेरियस लाइबिलिटी का एक जो नोशन था वो अब आपके साथ एडवोकेट आया था दैट कैन बी रन के सिस्टम फेल करिए लोगों को बचाने के वास्ते. आई मीन इट्स अ रिमोट चांस बट दैट शुड बी टेकन. लेकिन सब यही सब देखने से यही लग रहा है कि देखिए एंड ऑफ द डे लगता नहीं है किसी को कुछ मिल पाएगा. कि जो SIT थी तो एक आप अपने लोगों को सपोर्ट कर रही थी ये उनको सपोर्ट कर अब जब ये आने के बाद एक BJP से जो जुड़े लोग हैं उनको सपोर्ट अभी मुझे सुनने मारा कि हमें समझे कि 300-400 crore के मिले हैं 700 आप कितने बोल रहे थे आज के पेपर में 300 crore के अंदर है उनका प्रॉपर्टी. जो फेक गोल्ड कॉइन्स मिले वो 1,30,09,000 बोले और जो गोल्ड रिकवर हुआ है वो 15 crore का है और प्रॉपर्टीज पूरे प्रॉपर्टीज टोटल 150 या 200 crore बने तो टोटल 200 के अंदर ही है 200 crore. There will not be equal distribution, there will be equitable distribution. जिसे ज्यादा दे उनको उतना उनको. तो लगता नहीं है कि लोगों को कुछ मिल पाएगा जिस तरह से चल रहा है. अल्लाह से दुआ करेंगे कि एटलीस्ट 50% तो क्योंकि आज का जो न्यूज़ है उससे कितना 300 crore सिर्फ 300 crore के अंदर ही है आज का न्यूज़. 300 crore का मतलब है कि 10% भी मिल रहा है ना रिजवान साहब के जुडिशरी जितना डिले करेगी उनके उनके पैसे भी उन्होंने लेंगे. मुझे एक DCP बोल रहे थे अगर अगर इवन ये 300 crore में वो टैक्स डालेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये है एनफोर्समेंट डायरेक्ट इनकम टैक्स का फाइन पड़ेगा फिर गवर्नमेंट जो भी उनका बिल्डिंग है बहुत से बिल्डिंग लिटिगेशन में है बहुत से बिल्डिंग में सिर्फ एडवांस देके टेनेंट्स को छोड़े हैं वो टेनेंट्स का क्या है जो 40-40 lakh 50-50 lakh देके जो लीज पे लिए हैं वो कहाँ जा रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स गोल्ड प्लेच किए हैं उनका भी क्या होगा. एक पॉलिटिकल पार्टी डंके के चोट पे वन ऑफ द मेन अक्यूज को ही माइट बी इनोसेंट आई डोंट नो मैं उसे अक्यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो कोर्ट करना है उसे टिकट दे रही है शायद उसे अच्छे खासे वोट भी आ जाए उसे या उसे. और एक पार्टी सोच रही है कि जिसके पास इवन विफ ऑफ ये स्कैम है उनको फील करने की कोशिश कर रही है तो इनको कैसा लोगों को बेसमझों को समझाना बोले अभी अकल सीखे या नहीं सीखे. एटलीस्ट अब तो भी क्लीन पॉलिटिशियन BJP भी बोलती है दे शुड ऑल्सो फील समबडी क्लीन. ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो तो जो भी टेंट की बास भी है फनक भी है उनको वहां से फील नहीं करना नहीं. ये भी पॉलिटिक्स कांग्रेस वाले इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि दे डोंट द एनीबॉडी कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस टू विन. कांग्रेस वाले कांग्रेस सम इन फाइटिंग इन फाइटिंग चल रहे कांग्रेस में और कांग्रेस वाले सिर्फ कांग्रेस की टांग खींच रहे हैं. ठीक है तो देखते हैं आगे IMA का क्या होता है. लगता तो नहीं है कि ज्यादा कुछ मिल पाएगा. थैंक यू सो मच गिविंग द अपडेट. थैंक यू.